दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए लेकर आए हूँ आईपीएल और क्रिकेट की दुनिया के बड़े अपडेट्स। बीसीसीआई का आईपीएल फ्रेंचाइजियों को तगड़ा झटका, राजस्थान रॉयल्स पर लगे बड़े इल्जाम, देशभक्ति के रंग में डूबे भारतीय खिलाड़ी, विमेन आईपीएल की तीन टीम घोषित, एवी डिविलियर्स पर बड़ी खबर, ट्रेंट बोल्ट पैसों की लालची और भी ढेर सारे अपडेट्स आईपीएल और क्रिकेट की दुनिया से जुड़े आपको बताने वाले हैं। और बस आपको आराम से पूरा वीडियो अंत तक देखना है। दोस्तों हम के लिए वीडियोस रोज लाते हैं और हमारे आईपीएल अपडेट सीरीज का 530वां वीडियो है। और यदि आप हमारे चैनल का हिस्सा नहीं है तो बिना देर के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला अपडेट। दोस्तों हमारी सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है बीसीसीआई की तरफ से, जहां पर बीसीसीआई ने आईपीएल की फ्रेंचाइजियों को तगड़ा झटका देते हुए एक बड़ा फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि हाल ही में आईपीएल की जितनी भी फ्रेंचाइजी हैं जो विदेशों में क्रिकेट की टीम खरीद रहे हैं, उन्होंने बीसीसीआई पर प्रेशर भी डाला था और रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि बीसीसीआई भारतीय खिलाड़ियों को विदेश की लीगों में खेलने की परमिशन दे दें। और ऐसा लग रहा था कि उनके प्रेशर से बीसीसीआई सही में भारतीयों को खेलने की परमिशन दे देंगे विदेश में, लेकिन कल बीसीसीआई ने सख्त मना कर दिया और कहा कि कोई भी भारतीय फॉरेन लीग में खेलने के लिए नहीं जाएंगे, उन्हें परमिशन नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कोई भी भारतीय खिलाड़ी या तो डोमेस्टिक खिलाड़ी विदेशी लीग में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, और यदि वह हिस्सा लेना चाहते हैं तो वह तभी कर सकते हैं जब वह बीसीसीआई से पूरी तरह से रिश्ते नाते तोड़ लेंगे, तभी हो सकता है। तो आईपीएल की टीमों को तो तगड़ा झटका लगा ही है। इसके साथ ही क्रिकेट के फैंस जो उम्मीद लगाए हुए थे कि विदेशों में भी भारतीय खिलाड़ी हमें देखने को मिलेंगे, उन्हें भी झटका लगा है। चलिए देखते हैं अपना दूसरा बड़ा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, जहां पर कल रॉस टेलर जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और साल 2011 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेला करते थे आईपीएल में, उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के मालिकों पर बड़ा इल्जाम लगाया है और कहा है कि राजस्थान के मालिक ने उन्हें लगातार 4 से 5 बार थप्पड़ मारा था साल 2011 में, जब वो आईपीएल 2011 में अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे और 0 पर आउट हो गए थे पहले मुकाबले में। उनको कहा गया था कि उन्हें इतने सारे पैसे दिए गए हैं, मिलियंस दिए गए हैं, इसलिए नहीं ताकि वह 0 पर आउट हो जाए, और उसके बाद वह सभी हंसने लगे थे। हालांकि वह इसका इशू नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन प्रोफेशनल एनवायरमेंट में ऐसा नहीं होना चाहिए, और यदि ऐसा सच में हुआ था रॉस टेलर के साथ तो सच में यह एक निंदनीय अपराध है क्रिकेट जगत के लिए। वैसे आपको बता दें कि साल 2011 में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ही टीम के साथ सफर किया करते थे, तो हो सकता है इनमें से ही कोई होगा जो थप्पड़ लगाए होंगे। हालांकि अभी तक किसी ने कंफर्म नहीं किया है, नहीं बीसीसीआई इसके लिए कुछ बोल रहे हैं और न ही राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजी। चलिए देखते हैं अपना तीसरा बड़ा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, जिस तरह से मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमों ने मिनी आईपीएल में अपना स्क्वाड घोषित कर दिया है, बिल्कुल उसी तरह से दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने भी अपने 2 खिलाड़ियों को साइन कर लिया है और दोनों साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, जिनमें नाम आता है एनरिक नोकिया और मिगेल प्रिटोरियस। एनरिक नोकिया का लंबा कनेक्शन रहा है दिल्ली से और मिगेल प्रिटोरियस साउथ अफ्रीका के अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की टीम ने साउथ अफ्रीका में प्रिटोरिया का टीम को खरीदा है और मिनी आईपीएल में इस टीम का नाम रहने वाला है प्रिटोरिया कैपिटल्स। हालांकि अभी तक नाम घोषित नहीं किया गया है आधिकारिक वाला, लेकिन रिपोर्ट तो यही है कि यही नाम रहेगा और इसका लोगो भी दिल्ली के जैसा ही रहेगा। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आप बने रहें। वैसे दोस्तों वीडियो में आपको बताना चाहूंगा उबर एक्स के बारे में, जहां पर स्पोर्ट्स बुक्स, रमी स्पोर्ट्स, टेबल गेम्स और भी बहुत तरह गेम्स खेल सकते हैं, जो कि बेहद ही आसान है, यहाँ पे कोई झंझट नहीं है। इसमें आसानी से अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं बिना कोई प्रूफ का। 1 लाख तक का स्पोर्ट्स वेलकम बोनस मिलता है यहाँ पर, बहुत तरह के प्राइजेस और कैशबैक मिलते हैं आपको यहाँ पर। रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद 100 रुपए मिल जाएंगे और आराम से आप 1 दिन के अंदर पैसों को अपने अकाउंट में डाल सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से रजिस्टर कर सकते हैं और तरह तरह के खेलों से पैसा बना सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना चौथा बड़ा अपडेट। दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रहा है महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से। दोस्तों यदि आप महेंद्र सिंह धोनी के बड़े वाले फैन है तो आपको तो पता ही होगा कि महेंद्र सिंह धोनी सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। हालांकि जिस तरह का उनका पॉपुलैरिटी है, यदि वह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहेंगे तो करोड़ों और कमा सकते हैं। बात करें अपडेट की तो जैसा कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा का अभियान चल रहा है और सोशल मीडिया पर लोग तिरंगे को अपना डीपी डिस्प्ले पिक्चर बना रहे हैं, तो ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी लगभग 2 से 2.5 साल के बाद अपना इंस्टाग्राम पर लॉग इन किए हैं और उन्होंने अपना डीपी चेंज किया है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, और यह दिखाता है भारतीय खिलाड़ियों का देश के प्रति प्यार। वैसे भी धोनी का आर्मी के प्रति काफी ज्यादा लगाव है और 2019 में वह आर्मी की ड्यूटी भी कर चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्हें देश से इतना प्यार था कि जब उनकी बेटी जीवा का जन्म हुआ था तब वह घर पर नहीं थे और भारत के लिए खेल रहे थे। इसके साथ ही आपको बता दें बाकी के भी खिलाड़ी जैसे कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, केएल राहुल, रोहित शर्मा ने भी अपना डीपी चेंज किया है सोशल मीडिया पर और भारतीय तिरंगा लगाया है, और इस पर सारी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि हम सभी एक एक खिलाड़ियों के लिए अलग से वीडियो नहीं बना सकते हैं। चलिए देखते हैं 5वां बड़ा अपडेट। दोस्तों अपडेट निकल कर आ रहा है विमेन आईपीएल को लेकर। हमने आपको कल ही बताया था कि विमेन आईपीएल मार्च 2023 में शुरू हो जाएगा और उसका शुरुआत मार्च के पहले सप्ताह में होगा और 28 दिन तक यह मुकाबला चलने वाला है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि आईपीएल का जो करंट की टीम है जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स काफी ज्यादा बेसब्र हैं विमेन आईपीएल में टीम खरीदने के लिए। इसके साथ ही बीसीसीआई का जो नियम है उसके मुताबिक यदि विमेन आईपीएल की टीमों का ऑक्शन होता है तो सबसे पहले प्राथमिकता पहले से ही आईपीएल की फ्रेंचाइजियों को दिया जाएगा, यदि वह नहीं इंटरेस्ट लेंगे तो थर्ड पार्टी को बेचा जाएगा। अब आप ही सोच सकते हैं कि जब आईपीएल की फ्रेंचाइजी विदेशों में पैसा लगा दे रहे हैं, खरीद ले रहे हैं टीमों को, तो अपने देश में क्यों नहीं लगाएंगे। चलिए देखते हैं अपना छठा बड़ा अपडेट। दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रहा है एबी डिविलियर्स की तरफ से। एबी डिविलियर्स के फैंस दुनिया में हर
जगह है और इसको देखते हुए एक कंपनी है जिसका नाम माइरिया है, वह एवी डिविलियर्स पर एक गेम लॉन्च करने वाले हैं जहां पर यह गेम मोबाइल पर खेलने के लिए बहुत जल्द अवेलेबल होने वाला है। इसमें एवी डिविलियर्स के बचपन से लेकर उनके क्रिकेट कैरियर में रिटायर होने तक का लेवल रहेगा जिसे आपको खेलना है और आपको एक्सप्लोर करना है। इसके साथ इस गेम में आप पैसे लगाकर पैसे भी कमा सकते हैं और यह पैसे बनाने की प्रक्रिया ब्लॉकचेन के माध्यम से होगा। उन्हें समझ में आ रहा होगा जो क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी समझते हैं और इसके लॉन्च को लेकर एवी डिविलियर्स काफी ज्यादा एक्साइटेड है जो आप यहां तस्वीरों में देख सकते हैं। वैसे जैसे यह गेम लॉन्च होगा हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल के जरिए इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप डाउनलोड करके खेल सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए देखते हैं अपना सातवां बड़ा अपडेट। दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रहा है ट्रेंट बोल्ट की तरफ से। ट्रेंट बोल्ट ने हाल फिलहाल में न्यूजीलैंड क्रिकेट से लगभग रिश्ते तोड़ लिए हैं और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर आ चुके हैं और इसके तुरंत बाद उन्होंने मुंबई एमिरेट्स जो U20 लीग होता है उसमें शामिल भी हो गए। तो इसको देखते हुए क्रिकेट के फैंस को ऐसा लग रहा है कि ट्रेंट बोल्ट पैसों के पीछे भाग रहे हैं। तो इसके सपोर्ट में स्कॉट स्टाइज ने बताया है कि ट्रेंट बोल्ट पैसों के पीछे नहीं भाग रहे हैं बल्कि वह इस फॉर्मेट को खेलना चाहते हैं जिससे वह इंजॉय करते हैं, जिस तरह से बेन स्टॉक्स कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से, और उन्हें उम्मीद नहीं था कि वह इतनी जल्दी इस तरह का फैसला ले लेंगे। लेकिन इसमें थोड़ी सी गलती न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की भी है जहां पर न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का इनकम उस तरह से नहीं है जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और भारत में है। काफी कम पैसे मिलते हैं उन्हें देश में खेलने के लिए। हालांकि ट्रेंट बोल्ट के इस फैसले से आईपीएल को फायदा हो सकता है क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ट्रेंट बोल्ट बिना कोई समस्या के पूरा आईपीएल के सीजन भर अवेलेबल रह सकते हैं। इनसे कोई मतलब नहीं रहेगा कि न्यूजीलैंड कहां पर कौन सा सीरीज खेल रहे हैं। चलिए देखते हैं आठवां बड़ा अपडेट। दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रहा है मिनी आईपीएल के ड्राफ्ट खिलाड़ियों को लेकर। पिछले कुछ दिनों से मिनी आईपीएल का ड्राफ्ट चल रहा है और अभी चलेगा एक दो दिन और, जहां पर जितने भी मिनी आईपीएल की टीम है उन्होंने जो खिलाड़ी अभी तक साइन किए हैं वह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें मुंबई लखनऊ और राजस्थान ने अपने 5-5 खिलाड़ियों को साइन कर लिया है। और इसके पहले हमने आपको दिल्ली के बारे में बताया, तो वहीं कोलकाता की तरफ से खबर आ रहा है कि कोलकाता आंद्रे रसल और सुनील नारायण को साइन करेंगे। हालांकि इसका अभी तक पुष्टि नहीं हुआ है और अभी एक दो दिन यह ड्राफ्ट और चलने वाला है जिसमें टीमों के नाम और खिलाड़ियों का साइनिंग घोषित किया जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं जहां पर आपको इसके हम रियल टाइम अपडेट देते रहते हैं और उसके साथ ही U20 लीग जिसे इंटरनेशनल T20 लीग भी कहा जा रहा है उसकी भी साइनिंग चल रही है, तो उसकी भी जानकारी आपको वहां पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों यहां से आज के आईपीएल और क्रिकेट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इस तरह के अपडेट्स हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी देते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अपने अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।